15 वर्षों से जर्जर हालत में सिद्धिगंज खाचरौद सड़क निर्माण की मांग को लेकर 10 जून से धरने पर बैठे ग्रामीण युवाओं को गुरुवार को 15 दिन हो गए। इस सड़क का भूमि पूजन 8 जनवरी को हुआ था। भूमि पूजन हुए 6 माह बीत गए, उसके बाद भी सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं होने से 15 वर्षों से सड़क की बाट जो रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। निर्माण कार्य की मांग के लिए धरने पर बैठे ग्रामीण युवाओं ने धरना प्रदर्शन के 14वें दिन कीचड़ युक्त जर्जर सड़क पर बेशर्म के पौधे लगाकर विरोध किया। सरकार को बने हुए 6 महीने इसके भूमि पूजन किए हो गए, इसमें काम चालू नहीं है। इस मांग के लिए जो धरने पे बैठे हैं ग्रामीण लोग, हम उनको पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। और आज इस धरना स्थल के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रशासन को ये चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए लोगों को आप 10 15 या 50 लोग मत समझिए, ये 50 गाँव के जनप्रतिनिधि है, 50 गाँव का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस सड़क का जो महत्व है वो सिर्फ सिद्धिगंज खाचरौद नौगांव बापचा या नीलबाड़ या धुराड़ा नहीं है। इस सड़क का और महत्व है कि ये खातेगांव कन्नौ से लेकर आस्था के क्षेत्र हाट पिपलिया तक इससे जाते हैं। इसलिए अगर अभी भी प्रशासन नहीं जागा, मुख्यमंत्री की नींद नहीं खुली, तो ग्रामीण लोग इन लोगों के साथ मिलकर के इस लेवल पे आंदोलन करेंगे कि प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आज हम प्रशासन को, मुख्यमंत्री को, जिला कलेक्टर कमिश्नर को ये चेतावनी देते हैं कि या तो आप तय कर लीजिएगा कि ये लोग शांतिपूर्ण बैठ के इनकी मांग को पूरा कर दिया जाए, या आप तय कर लीजिएगा कि इनके साथ मिलके कांग्रेस सहित पूरे ग्रामीण लोग रोड पे और सड़क पे उतरे, और आने वाले टाइम में गांव गांव आपके पुतले जलेंगे, आपको गांवों में नहीं घुसने दिया जाएगा, और चक्का जाम और जिस लेवल पे भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व हमारे ग्रामीण साथी कर रहे हैं, इसलिए हम इनके आदेश का पालन करेंगे। और इनकी मर्यादाएं हो सकती है, ये शांति से बैठे हैं, पर कांग्रेस पार्टी इसको बड़े लेवल पे संघर्ष करेगी। बड़े दुखद बात करने में थोड़ी शर्म आ रही है कि माननीय मध्य प्रदेश में 15 साल तो पूर्ण कर दिए बीजेपी गवर्नमेंट कि 20 साल की तैयारी 18 साल पूर्ण हो गए, उनने अभी तक इसका एक भी रिन्यूअल का काम नहीं करा पाए। गड्ढे में तब्दील हो गए, रोड नहीं बची है। हमारे माननीय सज्जन सिंह भैया प्रदेश में हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उनने इसको सेंक्शन करा, इसके टेंडर करवा दिए, और ये तीनों रोड है। इसमें एक रोड सिद्धिगंज वाला धुराड़ा है, एक धामंदा रोड है, एक सीहोर के पास का रोड है, 101 करोड़ की योजना है ये, वो सेंक्शन करा दिया उनने। हमारे माननीय यहाँ के लापरवाह जो विधायक है वो खाली उनको भूमि पूजन करने का शौक है, उनने यहाँ के भूमि पूजन भी किया पर वो काम स्टार्ट नहीं करा पाए। इनकी घोर लापरवाही बीजेपी गवर्नमेंट की है, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गृह जिला तो हम सब कहते हैं, पर वो गृह जिले उनका मात्र नसरुल्लागंज बुंदी तक सीमित है। वो इधर यहाँ की कोई भी योजना आती है उनके क्षेत्र में चली जाती है, वो कोई भी काम करने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ का बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल आया था एम्स, वो भी यहाँ से वो लेके चले गए। सीहोर से ईएमएस टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।